उल्लासनगर कांग्रेस ने उल्लासनगर 5 में स्थित पानी के टंकी के लीकेज को दुरुस्त करने की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। उल्लासनगर 5 डंपिंग ग्राउंड के वहाँ पर जो पानी की टंकी है, आज अंदाजन साल भर से वो पानी लीकेज हो रहा है। वहाँ प्रशासन का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उल्लासनगर शहर में गली गली में लोग बाग जनता पानी से त्रस्त है, पानी की कमी से त्रस्त है, परंतु हजारों लीटर पानी जो वहाँ पे व्यर्थ जा रहा है उसके ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। उल्लासनगर साउथ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने बारम्बार महानगर पालिका को, वाटर सप्लाई को इस बारे में पत्र व्यवहार किया, परंतु कोई भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस तरह का हजारों लीटर जो पानी है वो आज भी व्यर्थ हो रहा है। और वो जो टंकियाँ हैं, जहाँ तक मेरे मालूम के हिसाब से वो टंकी अभी नई टंकी बनाई गई है, और नई टंकी भी इतनी जल्दी लीकेज होने के पीछे भी जो ठेकेदार ने वो टंकी बनाई है वो ठेकेदार का ऑडिट करके, टंकी का ऑडिट करके और उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर वो टंकी समझो लीकेज है, अगर वो टूट जाती है तो वहाँ आसपास के जो रहवासी है उनके जीवन को धोखा हो सकता है। इसके लिए हमारा डिमांड है कि जितने जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करके वो टंकी का कार्य जल्दी ठीक किया जाए, अन्यथा कांग्रेस की तरफ से जन आंदोलन छेड़ा जा सकता है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।